तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, गोदरेज एयर कंडीशनर 2024 के नए मॉडल मार्केट में आ चुके हैं। दोस्तों, गोदरेज 110 फाइव स्टार एयर कंडीशनर अमेज़न में 33,490 में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गोदरेज 110 फाइव स्टार एयर कंडीशनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि 2024 में गोदरेज के नए एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या नए फीचर और टेक्नोलॉजी मिल रही है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरा सी अच्छी लगती है दोस्तों, को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूं। और दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है और ना मैं वीडियो बनाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप लेता हूं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदरेज 110 फाइव स्टार का एयर कंडीशनर अमेज़न में 33,490 में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, गोदरेज के इस 110 फाइव स्टार एयर कंडीशनर की ISER रेटिंग है 5.10। दोस्तों, गोदरेज का ये एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 516.37 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में। यानी दोस्तों, गोदरेज के इस एयर कंडीशनर का ये एनुअल पावर कंजप्शन है। दोस्तों, गोदरेज के इस एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी है 3400। दोस्तों, गोदरेज का ये एयर कंडीशनर 120 स्क्वायर फीट एरिया इजिली कवर करेगा, यानी 120 स्क्वायर फीट एरिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको क्या टेक्नोलॉजी और क्या नए फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, गोदरेज का ये 110 फाइव स्टार का एयर कंडीशनर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। यानी इस एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर लगा है वो एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर दोस्तों एक वेरिएबल स्पीड में रन करता है। इसका बेनिफिट की अगर बात करें इस इन्वर्टर कंप्रेसर की, इसका फायदा ये होता है दोस्तों, आपका लाइट बिल काफी कम आएगा। मान लीजिए आपने कोई आपके घर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसी लगा है, वो नॉन इन्वर्टर एसी है और उसका लाइट बिल आता है महीने का लगभग 1500 रुपये। तो इन्वर्टर कंप्रेसर वाला अगर बेसी लेते हो फाइव स्टार वाला, तो लगभग आपका 800 से 1000 रुपए का बिल आएगा। दोस्तों, इन्वर्टर कंप्रेसर की मदद से एसी पावर सेविंग ज्यादा करेगा, कूलिंग अच्छी मिलेगी और इस कंप्रेसर की मदद से एयर कंडीशनर के अंदर नॉइसेबल वाइब्रेशन काफी कम होता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, जब एसी को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लीजिए आप रूम के किसी कोने में बैठे हो और वहां आपका डेस्क है और आप एसी ऑन करते हो, तो उस एरिया में कूलिंग पहुंचने के लिए टाइम लग जाता है। तो गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आइसेंस टेक्नोलॉजी आती है। जैसे ही आप एसी ऑन करोगे और आप अपने डेस्क पे बैठे हो, तो आपको साथ में रिमोट रखना है गोदरेज एयर कंडीशनर का, और गोदरेज एयर कंडीशनर के रिमोट एक बटन आता है आईसेंस, उसको प्रेस कर देना है। जैसे आप ये बटन प्रेस करते हो, गोदरेज के रिमोट के अंदर एक सेंसर होता है और गोदरेज के एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में एक सेंसर होता है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जो गोदरेज का एयर कंडीशनर है उस रिमोट को ट्रैक करेगा और जहां भी आप बैठे रहोगे रिमोट को लेके वो पर्टिकुलर एरिया को पहले ऐसे ठंडा करेगा। तो आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी आपको उस पर्टिकुलर एरिया में इस आईसेंस टेक्नोलॉजी की मदद से। दोस्तों, मार्केट में एयर कंडीशनर के अंदर कन्वर्टेबल मोड का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में आपको गोदरेज के एयर कंडीशनर के अंदर भी 5 अलग अलग कन्वर्टेबल मोड देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस कन्वर्टेबल मोड का एडवांटेज ये होता है, मान लीजिए आपको एक 110 का एयर कंडीशनर ले रहे हो और आपके रूम में ज्यादा लोग नहीं है और आपको उतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम एसी को ऑन करते हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली एयर कंडीशनर 100% कूलिंग पे चलता है। अगर मान लीजिए आपको उतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 110 एयर कंडीशनर को 0.8 टन में चला सकते हो या फिर 0.6 टन में या फिर 0.4 टन में। एयर कंडीशनर की जो कैपेसिटी है दोस्तों, परसेंटेज के हिसाब से कम हो जाती है 80, 60, 40। तो इस तरीके से आप टनेज पे, अगर आप टनेज कम करते हो दोस्तों, एसी का पावर कंजप्शन भी कम होता है। दोस्तों, आपके यूजेज और कन्वीनियंट के हिसाब से, यानी आपके कंफर्ट के हिसाब से, आप एसी को अलग अलग टनेज में कम करके चला सकते हो। या फिर दोस्तों, गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड में एक मोड और आता है जिसमें आप एसी की कूलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, लोग ज्यादा है, जब लोग ज्यादा है अगर आप एसी को 100% पे भी चलाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, कूलिंग कैपेसिटी कम लगती है और अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे में एयर कंडीशनर को आप 110% की कैपेसिटी में चला सकते हो, जिससे दोस्तों आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देगा। यानी दोस्तों, आप गोदरेज के इस 5-in-1 मोड को आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों, गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के अंदर जितने भी कॉइल यूज किए हैं इंडोर और आउटडोर के अंदर, सभी के सभी कॉइल दोस्तों 100% कॉपर वाले हैं। कॉपर का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, अगर एयर कंडीशनर के अंदर कभी भी कोई लीकेजिंग आ जाती है तो उसे आप इजीली रिपेयर करा सकते हो लो मेंटेनेंस में। दोस्तों, गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में रस्टिंग से बचने के लिए या मेंटेनेंस से बचने के लिए एंटी क्रोजन की कोटिंग दी गई है, ब्लू फिन्स ब्लू हाइड्रोलिक की एंटी क्रोजन कोटिंग, जो कि गोदरेज के आउटडोर यूनिट पे की गई है।
दोस्तों इस एंटी क्रोजन का बेनिफिट ये होता है इस कोटिंग का दोस्तों, जैसे कि हमारा आउटडोर मीट होता है दोस्तों साल के 12 महीने बाहर रखा होता है, उसमें धूल मिट्टी मॉइस्चर नमी लगने से क्या होता है जो फिन्स है वो सड़ने लगते, इससे एयर कंडीशनर हीट एक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है जिससे एयर कंडीशनर पे लोड आता है। दूसरा, जब ज्यादा रस्टिंग होने लगती है तो एयर कंडीशनर की कॉइल्स में भी लीकेजिंग का इशू होने लगता है और गैस निकल जाता है, इससे दोस्तों 3,000 से 3,500 रुपए का मेंटेनेंस निकलता है। दोस्तों ये ब्लू फिन्स की एंटी क्रोजन कोटिंग आउटडोर यूनिट की जो कॉइल्स होती है उसको सड़ने से बचाती है, फिन्स को खराब होने से बचाती है, जिससे एयर कंडीशनर में हीट एक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती है और दोस्तों लीकेजिंग का इशू भी नहीं आता, जिससे मेंटेनेंस बचता है। दोस्तों गोदरेज का ये एयर कंडीशनर सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। सेल्फ क्लीनिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं एसी को जब हम लगातार यूज करने लगते हैं तो एसी के ऊपर जो फिल्टर होता है वो पूरी तरीके से चोकअप होने लगता है, उसमें धूल मिट्टी जमने लगती है, धूल मिट्टी जमने के बाद दोस्तों अंदर वाली जो कॉइल होती है ना उससे भी काफी ज्यादा डस्ट वगैरह बैठने लगता है, इससे क्या होता है उसमें दोस्तों फंगस वगैरह क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं और एसी की एयर में आगे चल के जब सड़न पैदा होती है तो एयर में स्मेल आती है। तो यहाँ ये गोदरेज का एयर कंडीशनर सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है, जिसकी मदद से गोदरेज एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट होता है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहता है, जिससे आपको एक क्लीन एयर मिलती है। दोस्तों गोदरेज के इस एसी में एयर को और भी ज्यादा क्लीन करने के लिए डस्ट फिल्टर लगे हैं, जो रूम की एयर के अंदर बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको कलेक्ट करता है, डस्ट पार्टिकल हो गए, पेट्स के बाल हो गए, उसको कलेक्ट करेगा और एयर को प्यूरिफिकेशन करेगा, यानी आपको जो एयर मिलने वाली है वो क्लीन मिलने वाली है गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में। दोस्तों गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के अंदर सेफ्टी के लिए मेटल गार्ड का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी एयर कंडीशनर के यूनिट के अंदर दोस्तों एक पीसीबी होता है, मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड का भी अगर उसमें सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में गोदरेज एयर कंडीशनर का जो पीसीबी है सर्किट बोर्ड उस पर एक मेटल का बॉक्स दिया हुआ है, यानी पूरी तरीके से सील्ड है, जिसमें अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो एयर कंडीशनर के अंदर कभी भी कोई फायर नहीं लगा दोस्तों, यानी सेफ्टी पर्पज के लिए इस एयर कंडीशनर में मेटल गार्ड लगाया गया है ताकि कोई इशू ना आए आगे चल के। दोस्तों गोदरेज का 110.5 स्टार का ये एयर कंडीशनर सेल्फ डायग्नोस फीचर के साथ में आता है, मान लीजिए एयर कंडीशनर के अंदर कभी भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी इशू आता है तो आप उसे डायग्नोस कर सकते हो, जैसे आप इसे को डायग्नोस करते हो मान लीजिए कूलिंग का प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत आती है उससे रिलेटेड एयर कंडीशनर के डिस्प्ले में एरर कोड आ जाता है, इसकी मदद से आप एसी को फटाफट रिपेयर करा सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मी के मौसम में अगर दोस्तों अगर एसी एक बार खराब होता है तो 3 से 4 दिन का लंबा समय झेलना पड़ता है, यानी इस सेल्फ डायग्नोस की मदद से एयर कंडीशनर में कोई भी खराबी आ रही है उस चीज को फटाफट रिजोल्व करा सकते हो। दोस्तों गोदरेज के इस एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस दिए हैं वो है R32। R32 दोस्तों एक ग्रीन गैस है, ये इको फ्रेंडली गैस है जो एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छी होती है और इस गैस से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी नहीं होता है। दोस्तों गोदरेज एयर कंडीशनर की अगर हम वारंटी की बात करेंगे तो गोदरेज एसी के कंप्रेसर में मिलती है आपको 10 साल की वारंटी, गोदरेज एयर कंडीशनर के जो पीसीबी होता है दोस्तों यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इस पे मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी, और दोस्तों गोदरेज के एयर कंडीशनर की दोस्तों पूरी कॉम्प्रेंसिव वारंटी दोस्तों आपको 1 ईयर की मिलती है, यानी कुछ भी टेक्निकल इशू आता है, टेक्निकल खराबी आती है उसके लिए 1 ईयर की वारंटी मिलती है। दोस्तों गोदरेज एक इंडियन ब्रांड है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी अच्छी है। दोस्तों आई होप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेरी है, डाउट है तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और दोस्तों गोदरेज का 110.5 स्टार, 1.5 स्टार, 3 स्टार सभी के जितने नए मॉडल हैं सभी की मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप एसी का मॉडल नंबर चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।